अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। अभी जो कंसेप्ट हमने देखा है उसके बेसिस पे ये होगा आपका एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशन, मतलब अ गिवन एरिया में आपके पास नंबर ऑफ रेन गेज एडिक्वेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है जहाँ पे डेटा कुछ दिया हुआ है, उसके हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कैचमेंट हैज़ सिक्स रेन गेज स्टेशन इन अ ईयर, द एनुअल रेनफॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाई द गेजेज एज फॉलोज, विच आर 82.6 सेंटीमीटर, 102.9, 108.3, 110.8 एंड 136.7। फॉर अ 10% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द मीन रेनफॉल कैलकुलेट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन इन द कैचमेंट। ठीक है, तो अगेन आपके पास यहाँ पे बोला बताया जा रहा है कुछ आपके पास रेनफॉल का डेटा दिया गया है। ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट 6 स्टेशन है जहाँ पे रेनफॉल डेटा कलेक्ट किया गया है और आपको बताया गया है। तो हमने आप पहले डिस्कस किया था, जब भी रेनफॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा हाइट के टर्म्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइट के टर्म्स यानी आपको सेंटीमीटर के टर्म्स में सारे डेटा आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको देखना, आपके पास बताया गया कि आपके पास एरर रेट अलाउड जो है वो 10% का है, मतलब 10% तक का एरर आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग आगे का काम करेंगे अपना। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एरर की वैल्यू जो है आपकी 10% अलाउड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको ये बताना है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस स्टेशन इन द कैचमेंट। तो ये डायरेक्ट एक तरह से सवाल हो गया आपके पास, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि आप बताइए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या है। तो गिवन डेटा के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या पता करना होगा, आपके पास फॉर्मूला याद है तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस फॉर ए गिवन कैचमेंट एरिया कैन बी गिवन एज एन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय एरर का स्क्वायर। एरर आपको दिया हुआ है 10%, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला आपके पास, 100 इंटू सिग्मा एन माइनस 1 डिवाइड बाय पी एवरेज। अब आपको क्या करना है, गिवन डेटा के लिए सिग्मा बार सिग्मा एन माइनस 1 पता करना है और पी बार पता करना है। ठीक है, तो पी बार पता करने के लिए काफ़ी सिंपल सिस्टम आपको पता है, सारे डेटा का आपको एवरेज लेना पड़ेगा, जो कि आपका डेटा है उसको ऐसे लिख सकते हैं 82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7 होल डिवाइड बाई 6। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास पी बार की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 118.6 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी डेटा है समेशन ऑफ पी बार माइनस पी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, ये डेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 35.04। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका यूनिट आपका यहाँ पे सेम पैरेंट डेटा का हिसाब से यूनिट होगा। तो अभी तक आपके पास जो जो डेटा मिले वो क्या क्या हो गए, एन की वैल्यू क्या है 6, पी बार की जो वैल्यू है 118.6, सिग्मा एन माइनस 1 की वैल्यू 35.04 और एरर जो आपके पास है वो है आपका 10%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, 100 इंटू सिग्मा एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी बार, ये हो जाएगा 100 इंटू 35.04 डिवाइडेड बाई 118.6, जो कि फाइनली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 29.54। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। तो सिमिलरली नंबर ऑफ कैचमेंट, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन आप निकाल सकते हैं CV बाई एरर का स्क्वायर इज इक्वल टू 29.54 डिवाइड बाई 10% एरर एक्सेप्टेड था उसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है आपका 8.7 स्टेशन। ध्यान रखें हमेशा इसको राउंड ऑफ ऊपर की तरफ ही
करेंगे, यहाँ पे तो 9 स्टेशन आएगा हमें। अगर आपके पास डेटा 8.2 भी होता उसको राउंड ऑफ करके आप 9 करते, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 8.2 से अगर आप राउंड डाउन करके 8 कर लेते हैं तो आपका एरर जो भी एक्सेप्टेड था या फिर जो भी जिस बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। अगर आप राउंड अप कर रहे तो एरर कम होगा, इसका मतलब आप सेफर या मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगेन राउंड अप किया एरर को सेफर साइड में कंसिडर करते हुए, तो 8.7 से आपका टोटल नंबर ऑफ रीएंगेज स्टेशन या फिर रीएंगेज सैम्पलिंग स्टेशन हो गए वो आपके 9 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास प्रेजेंटली कितना है? प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेशन ये हो जाएंगे आपके 6, रिक्वायर्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टेशंस 9, तो एडिशनल स्टेशंस स्टेशंस रिक्वायर्ड ये हो जाएंगे आपके 9 - 6 = 3, तो आपको 3 एडिशनल रेलवे स्टेशंस की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर होगा। आपको एक बार फिर से रन डाउन करके बता देते हैं आपका क्वेश्चन क्या था। आपके पास दिया गया है एक कैचमेंट है जहाँ पे ऑलरेडी 6 रेन गेज स्टेशन है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कलेक्ट किया गया था। आपको बताया गया कि एरर रेट एक्सेप्टेबल आपके लिए 10% का। आपको पता करना होगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ कैचमेंट क्या होगा, ठीक। तो अगेन यहाँ से हमने देखा ऑप्टिमम नंबर ऑफ कैचमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैचमेंट शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय एरर का स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला आपके पास 100 इंटू वेरिएशन डिवाइड बाय एवरेज रेनफॉल। एवरेज आपने यहाँ पे निकाला, एवरेज की जो वैल्यू आई आपकी 118.6 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला 35.04 सेंटीमीटर। ये सारा डेटा जो आपने यहाँ पे देखा है वो है आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन, कितना आपका एवरेज हुआ, क्या आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है और आपका क्या एरर रिक्वायर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। अगर आपने 100 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन प्रेसिपिटेशन, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस आ गए 87.7 स्टेशंस। आपने हमेशा राउंड अप करना है, राउंड डाउन कभी नहीं करेंगे। राउंड डाउन नहीं करेंगे तो आपका एरर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एरर को आपको इंक्रीज नहीं होने देना है। आपको हमेशा कंजर्वेटिव डेटा रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा राउंड अप करेंगे। अगर आपके पास डेटा 8.1 भी होता है तो आप इसको राउंड अप करके 9 ही करते, इसको 8 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 8.7 था तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली बच गए, तो इसका राउंड अप करने के बाद 9 नंबर्स ऑफ रेन गेजेस होने चाहिए आपके पास। टोटल आपके पास 6 हैं, आपको एडिशनली 3 और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे आपका रेनफॉल के डेटा को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे और मिसिंग रेनफॉल डेटा को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग पास प्रोसीजर है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।